और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल, रावल डैम में सताए आप बुलंद। रावल डैम में इजाफी पानी निकालने के लिए स्पिलवेज को खोलने का फैसला किया गया है। कुछ देर बाद रावल डैम के स्पिलवेज को खोल दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा बताना है, दरियाए कोरिंग और सुवा के करीब आबाद अफराद को किनारों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। नईम असगर, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई है स्पिलवेज को खोलने से कबल? जी बिल्कुल, रात भर से जो बारिश हो रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उसकी वजह से इस्लामाबाद का जो रावल डैम है उसमें पानी की सतह काफी ऊपर आ चुकी है और पानी की सतह जो है खतरे के निशान से जब ऊपर जाना शुरू होती है तो उसके बाद स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं और ये जो इजाफी पानी होता है वो पानी निकाल दिया जाता है स्पिलवेज के जरिए। अब भी कुछ देर पहले ये ऐलान किया गया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से कि जो रावल डैम के स्पिलवेज हैं वो खोले जा रहे हैं। ये पहले जो दरियाए सुवा और इसके नजदीक और जो स्पिलवेज के रस्ते में आने वाली आबादियां हैं वहां पर सायरन बजा दिए गए हैं। वहां की आबादियों को मुतला कर दिया गया है कि ये अब पानी आएगा। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से ये हिदायत भी की गई है कि दरियाए सुवा के किनारे रहने वाले जो अफराद हैं वो आज के दिन वो दरिया के करीब ना जाए, दरिया के किनारों के करीब ना जाए। जी